वन नेशन वन टीम वन ड्रीम के इरादों के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर सेना ने काटा बवाल। ठीक है, आप हमेशा हर चीज को दो नजर से देखोगे, ए अरे यार ये कमजोर बोल क्या अटैक है, वो आप जिसको आपने क्रिटिसाइज करना कर ही दोगे, बट उस बंदे में भूख है। आपको ये मानना पड़ेगा कि बाबर का जो वक्त है वो चल रहा है। वे बाबर नीचे से आए हैं, यंग है, वो करेंगे रन। बट विराट ने तो किया हुआ है शायद, बट कभी ना कभी जो खेलेगा, जो दुनिया का राजा होगा क्रिकेट में, कभी ना कभी वो नीचे आएगा ही आएगा। और आपको एडमिट करने में, हम सबकी जिंदगी में होता है कि मतलब व्हेन यू आर 20 साल के होते हैं, 30 में आप फिजिकली, मैं कह रहा हूँ, चेंज हो जाते हैं। 30 से जब आप 40 जाते हैं आप चेंज हो जाते हैं, 40 से आप 50 आते हैं चेंज हो जाते हैं। हाईज लोज प्रोज कौन सबकी लाइफ में आते हैं, पर देर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन बाबर आजम राइट नाउ। हद से ज्यादा वाले यंग, अभी तो बस जर्नी की शुरुआत है। ही इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज इन द वर्ल्ड। लव यू बाबर, कीप प्लेइंग फॉर पाकिस्तान लाइक दिस एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। यस, क्रिकेट यूनाइट्स, ये बात सच्ची है, हम फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। बाबर आजम से जब कहा गया कि उनको सभी ना विराट कोहली से कंपेयर करते थे, व्हाट ही सेड वाज कि विराट कोहली का जो ओहदा है ना वो बहुत ऊंचा है मुझसे, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को ही सब कुछ कह दिया कि हाँ मैं भी एक अच्छा दिग्गज खिलाड़ी हूँ, नहीं, ही डिड नॉट से इट फ्रॉम हिज माउथ, क्योंकि वो पब्लिक बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं तो समझ आ जाता है। कमेंटेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सब ही प्रेज कर रहे थे बाबर आजम को, एंड इस छोटी उम्र में वाकई एक बहुत ही लंबा सफर वो अभी तक तय ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। साला दो मैच अगर बाबर आजम ना चले ना तो आउट ऑफ फॉर्म बताने लगते हैं। अब आप ये समझिए कि एक 28 साल का लड़का, एक पाकिस्तान का लड़का, अगर दो मैच में नहीं चलता है तो लोग उनको सीधा बोलते हैं कि भाई अब तो कमजोरी हो गई, वीकनेस हो गई, अब तो ये बंदा खेल ही नहीं पाएगा। आज उसी बाबर आजम ने एक बार फिर से मुंह पर आपके जोरदार तमाचा लगाया है। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप बाबर आजम को पसंद नहीं करते हैं तो अगले 5 साल के लिए रजाई के भीतर में छुप जाइए, क्योंकि ये बंदा रन बनाएगा और आपको यूं ही आग लगती रहेगी। बाबर आजम को जो टच लगा, जो कवर ड्राइव्स मारी, जितनी ड्राइव्स मारी, बैकफुट पे ड्राइव मारी, पंच मारा, ऑन ड्राइव मारी, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव मारी, बहुत ही ब्यूटीफुल। सबसे अच्छा साइन यह है कि बाबर आजम की बैटिंग जो है ना, सबकी बैटिंग एक तरफ है, बाबर आजम की बैटिंग आज अलग ही लगी है। और जो मेरे को पाकिस्तानी दोस्त इतने दिन से बोल रहे हैं कि सुशांत भाई आप नहीं समझते, मैं बोलता हूं यार बाबर आजम रन क्यों नहीं बनाता, अपनी विकेट ही सेव करता रहता है, रन क्यों नहीं बनाता। वो बोलते हैं वो क्या करे, अगर वो आउट हो जाए तो बाकी कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो अपनी विकेट को बचा के रखता है, बचा के रखता है कि भाई मेरे को आउट नहीं होना, मैं आउट हो गया। और ये देखा भी आपने कि बाबर आउट, टीम खत्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें T20 मैच के अंदर बाबर आलम की फॉर्म काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि 69 रन बनाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर जिस वक्त उनको आइडिया था कि उनका गुज़िश्ता 4 मैचों में फॉर्म जीरो है, और मजीद उनको ये बात का आइडिया था कि वो अपने होम ग्राउंड में सीरीज हारने वाले, उसके बिल्कुल बाद भी बाबर आलम की परफॉर्मेंस इतनी शानदार होना बहुत काबिल तारीफ है। इसके बाद भारतीय मीडिया ने बड़ी जम के तारीफ की, भारतीय मीडिया कहना है कि आज के मैच में जो परफॉर्मेंस आई है बाबर आजम की वो बिल्कुल नाकाबिल यकीन है, क्योंकि बाबर आजम की यही परफॉर्मेंस है जो उनको इस बात पर उम्मीद दिलाती है कि वो नंबर वन पर आए, और उस बात के वो अहल हैं, क्योंकि जिस वक्त टीम डूब रही होती है पूरी टीम अपोजिट साइड पर होती है, वो बिल्कुल टीम अपोजिट चलते हैं और इतने स्कोर कर देते हैं कि अपनी टीम को फतहम करा कर देते हैं। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आज के मैच में 69 रन बनाए हैं, बाबर आजम ने अपने उन हिटर्स को जवाब दिया जो कहते थे कि बाबर आजम सिर्फ ग्राउंड में शॉट खेलते हैं, कवर ड्राइव नहीं खेलते, छक्के चौके बाउंड्रीज कम लगाते हैं। बिलखसूस आज के मैच में बाबर आजम ने बड़ी शानदार कवर ड्राइव खेली, ना सिर्फ शानदार कवर ड्राइव खेली बल्कि पूरे ग्राउंड में 360 यार्ड में बहुत क्लासिक शॉट्स खेली, उसके बाद 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से फास्टेस्ट 69 रन बनाए। भारतीय मीडिया कहना है कि अगर बाबर आजम 10 से 12 वाले मजीद खेलते तो अपनी बासानी सेंचुरी मुकम्मल कर सकते थे। विक्रांत गुप्ता कहने की यही वजह कि बाबर आजम दुनिया के नंबर वन बैट्समैन है, क्योंकि वो उस मौके पर परफॉर्म करते हैं जिस वक्त पूरी दुनिया को उनसे एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन बिलखसूस बाबर आजम की यही क्लासिक शॉट है जिसकी वजह से आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर ऐसे ही बाबर आजम की फॉर्म चलती रही तो बाबर आजम बहुत टफ टाइम देंगे अपने ओपोनेंट को, बिलखसूस अपने उन हिटर्स को जो कहते थे कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, उनके खिलाफ बाबर आजम का बल्ला बोलता है, बाबर आजम का बल्ला जब वो बोलता है तो अपनी टीम को फतह से मुकर देता है। आज के मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों जीत हुई, इसके बाद पाकिस्तान ने सीरीज 2-2 से बराबर कर दी, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज थी जो कि पहला मैच ड्रा हो गया, एंड देन उसके बाद 2-2 की सीरीज जीत कर सीरीज बराबर कर दी गई। ढेर
सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जो लोग इनको T20 क्रिकेट का प्लेयर भी नहीं मानता है, उनका शर्म से आज जो है ना मुंह लाल हो गया होगा।